2023 की कुछ ऐसी अमेजिंग वेब सीरीज अपने बच्चे को खा दे कपड़े, जिनकी स्टोरी बेस्ड है पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। और इन सभी सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है कि लालच की वजह से लोग किसी भी हद को पार कर सकते हैं। कबूल कर लो कि तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है आज के इस काउंटडाउन में, जिन्हें रिलीज की गई है 2023 में। और इन सभी वेब सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नंबर 7, रफू चक्कर। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो कि किसी को भी लूट सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि उसका काम ही है लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी तिजोरी खाली करना। लेकिन असल में इस आदमी का अंजाम लास्ट तक क्या होता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज रिलीज की गई है जियो सिनेमा पर और इसे IMDb रेटिंग मिली है 10 में 6.5। नंबर 6, काला। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे IB एजेंट से जो कि लगभग 14,000 की हेरा फेरी को पकड़ लेता है और वो सारे के सारे पैसे जब्त कर लेता है। लेकिन असल में इस पैसे के पीछे किसका हाथ है और इस पैसे को छुड़ाने के लिए कौन कौन सामने आते हैं, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज में और भी बहुत सारे पहलू दिखाए गए हैं जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 5, स्कैम 2003। सीरीज बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री थ्रिलर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में दिखाती है तेलागी केस को, यानी कि तेलागी ने किस तरह लगभग 30,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर घोटाले को अंजाम दिया था और इस स्कैम के पीछे तेलागी के अलावा किन किन का हाथ था, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिप पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 4, दहाड़। सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे किलर से जो कि लड़कियों को मार रहा होता है, यानी कि उन्हें प्यार में पहले फंसाता है और बाद में उनकी हत्या कर देता है। लेकिन लास्ट तक पुलिस उस तक किस तरह पहुंचती है, इवन किलर को किस तरह ढूंढ के निकालती है, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 3, कोहरा। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक NRI की डेड बॉडी एक खेत में पाई जाती है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। वहां की लोकल पुलिस किसी भी तरह से इस डेड बॉडी की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है, इवन किलर को भी ढूंढ कर निकालना चाहती है। और लास्ट तक लोकल पुलिस किस तरह अपने काम को सक्सेस करती है, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 2, फर्जी। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है सनी नाम के एक आर्टिस्ट से जो कि नकली नोट बनाने में माहिर है। लेकिन अचानक से ही पुलिस को यह बात पता चल जाती है और पुलिस किसी भी तरह से सनी को ढूंढ कर निकालना चाहती है। लेकिन सनी को लास्ट तक ढूंढ कर निकालने में कामयाब हो पाती है पुलिस या फिर नहीं हो पाती है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे मुंबई मेरी जान। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में डी कंपनी के कंप्लीट हिस्ट्री को आपके सामने प्रेजेंट करती है। आप इस सीरीज में देख पाएंगे कि डी कंपनी की शुरुआत किस तरह हुई थी और डी कंपनी को बनाने में किन किन का सबसे बड़ा योगदान था। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।